मानसून का नया स्पेल हर तरफ तबाही ले आया। कराची सैलाब ज़दा शहर में तब्दील, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, नाले ओवरफ्लो हो गए, आबादियां पानी से भर गईं, मकीन महसूर हो गए, जबकि कीमती सामान खराब, सैकड़ों शहरी की नकल मकानी। कराची के मकीन हो जाएं खबरदार, कर लें तैयारियां, नया स्पेल शदीद होगा, कमजोर पड़ने वाला सिस्टम नए सिस्टम से मिल गया है, बारिश अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी, महकमा मौसमियात की नई पेशगोई। के इलेक्ट्रिक के दर्जनों ट्रिप फीडर स्ट्रिप कर गए, कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम, पानी निकासी के बाद बिजली बहाली का काम शुरू किया जाएगा, हादसा से बचने के लिए मुतादिद इलाकों की बिजली बंद, बहाल कब होगी वक्त नहीं बता सकते, के इलेक्ट्रिक का वॉक कब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, कसम खाता हूं कभी भी अवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया, करोड़ों रुपए बचाए हैं, अरबों की बैरूनी सरमायाकारी लाया, लीगी कायदगी, अदालत में इस्तदा, इल्जामात झूठे हैं तो आप बाइज्जत बरी होंगे, एहतसाब अदालत के जज के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ के सेहत पर सियासत कर रही है, हुकूमत ने ही तो उन्हें इजाजत देकर बाहर भेजा, एपीसी में तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज के नाकाबले जमानत वारंट जारी, सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, नुसरत शहबाज को वालिदैन से कोई जायदाद नहीं मिली, शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने के बाद असासों में इजाफा हुआ, नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, नया प्रोसिक्यूटर का एहतसाब अदालत में बयान। वजीर आजम का जेलों में कैद खातीन से मुतालिक अहम फैसला, मामूली जुराम में कैद खातीन को घर के करीब जेलों में रखने की हिदायत, कहा इंसानी हकूक का तहफ्फुज मौजूदा हुकूमत की अवालीन तरजीह है, मजहबी मुआशरों की पहचान इंसानी हकूक के तहफ्फुज को यकीनी बनाने से होती है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अमवात, तादाद 6274 हो गई, मजीद 445 अफराद में वायरस की तशखीस, 294,668 मरीज हो गए, सिंध में 2388, पंजाब में 2193, खैबर पख्तूनख्वा में 1294 मरीज हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,44,00,000 मरीज, 8,30,000 अमवात, अमेरिका में 1,83,000, ब्राजील में 1,17,000, मेक्सिको में 62,000, रूस में 16,000, भारत में 60,000, सऊदी अरब में 3,755 हलाकतें हुई। फैजुल हसन चौहान कहते हैं पीटीआई और अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के इदारों में बुनियादी फर्क तरजीहात का है, वजीर आजम इमरान खान मुल्की मफाद में गैर मकबूल फैसले करने से भी हिचकिचाते नहीं, माजी में मेगा प्रोजेक्ट्स में साथी मफाद और मुनाफा रखा गया था। अजमा बुखारी कहती हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत की नहीं अदालती हुक्म पर बैरून मुल्क गए थे, बयान हल्फी में वाजे लिखा है कि जब तक डॉक्टर्स नवाज शरीफ को मुकम्मल सेहतयाब करार नहीं देते वो वापस नहीं आएंगे, सियासी बुनियादों पर नाअहल होने और अवाम के दिलों में नाअहल होने में जमीन और आसमान का फर्क है। शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार जवाब न दे सके, नैब का तहरीरी रिमांड भेजने का फैसला, नैब ने वज़ीर आला को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा और जायदादों से मुतालिक भी 12 सफात पर मुश्तमिल परफॉर्मा दिया था। इंसानियत को दरिंदगी का निशाना बनाने वाला दहशतगर्द सजा सुना दी गई है, सानिया क्राइस्टचर्च के मुजरिम को तामवर कैद की सजा, दहशतगर्द ब्रिंटन ने 2 मसाजिद में फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद कर दिया था। नो फ्लाई जोन में अमरीकी जासूस तैयार की परवाज, चीन का एहतजाज, कहा अमरीकी कार्रवाई से हादसा भी हो सकता था,
परवाज असूल और जवाबित के मुताबिक थी, अपनी परवाजें हस्बे मामूल जारी रखेंगे, अमरीका का जवाब। ईरान पर फौरी आलमी पाबंदियां बहाल करने की अमरीकी दरख्वास्त, सलामती कौंसल में मुस्तरद अमरीकी सफीर का सख्त रद्दअमल, मुखालिफ ममालिक पर दहशतगर्दों की मदद का इल्जाम। अमरीकी पुलिस की सियाफाम पर फायरिंग, मुजाहरे जोर पकड़ गए, सड़कें मैदान जंग बन गई, झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी, हालात कंट्रोल से बाहर, मजीद नेशनल गार्ड्स तलब कर लिए गए हैं, रियासत में एमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया। और बरतानवी ऑलराउंडर क्रिस विक्स ने पाकिस्तान को खूबसूरत मुल्क करार दे दिया, कहा क्रिकेट के पुरजोश मद्दाहों से मुतालिक बहुत सी कहानियां सुन रखी हैं, पाकिस्तान के साथ सीरीज आला मयार की थी, भरपूर मुकाबला देखने को मिला। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब।